खेल देगा क्या भाई? अपनी तरह मूली तोड़ी एकदम सूखी। मजाक सर के एक सच बताएं, 10-15 दिन पहले यहाँ पे चीता देखा गया था हमारे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या सो आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे रहना। सो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम अपने नानी के घर आए हुए हैं, तो कुछ हमें छत पे चलते हैं, धूप का आनंद लेते हैं और वहीं पे फिर बरखा रानी हमारे लिए चाय नाश्ता लेके आने वाली हैं। तो चलते हैं छत की तरफ। सुबह का नाश्ता हम मोची को दोनों लोग करते हुए और साथ में इनको भी खिलाते हुए उस टाइम हम लोग जा रहे हैं खेत पे, जिसमें कि हम मामा और टुर्री जा रहे हैं तीनों लोग मूली तोड़ने के लिए और अपना खेत देखने के लिए। टाइप से है हमारा सरसों का खेत, जहाँ तक ये सरसों दिख रही है सब अपनी है। और ये रही सरसों, अभी पक्की नहीं है, जब पक जाएगी तो इसमें सरसों के दाने निकलेंगे। शाहरुख खान वाला फील आता है यहाँ पे तो आके, DDLJ वाला। और यहीं पे सरसों के खेत में मेड़ पे बोई गई है मूली। चलो मूली तोड़ते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि मूली, ताज़ा मूली कैसी होती है। मूली का पेड़ और ये मूली उखाड़ रहा है, छोटी है भाई ये तो बहुत। अरे इतना छोटी मूली क्या करोगे भाई, मूली बच्चा है भाई ये तो, छोटा सा, बड़ी तो नहीं है पर हाँ छोटी मोटी हैं मूलियाँ ये। अब इसमें टाइम लगेगा बड़े होने में और हम लोग चले जाएंगे आज, तो मामा हमारे लिए छोटी मोटी मूली तोड़ के हमको दे रहे हैं। बहुत पतली है, पत्ता बढ़िया है बना, पत्ता ही मोटे मोटे हैं बस। यही देखो यही निकल रहे नए पत्ते, तो बहुत बड़े बड़े हैं मूली के नाम पे, मूली के बच्चे हैं। ये देखो कौन सी, हाँ ये वाली बड़ी है। कितनी तब भी उस पाए के उससे तो काफी बड़ी है। मूली ढूंढना बड़ी काम है भाई, इतनी देर में इतनी मूली मिली वो भी इतनी जरा जरा सी, और इतने सारे पेड़ मूली के लगे हैं पूरी मेड़ पे। अपनी तरह मूली तोड़ी एकदम सूखी, जैसे ये सूखे वैसे जैसे मूली सूखी। और शिवान से गए वहाँ गन्ने मांगने के लिए कि भाई साहब 2-4 गन्ने हमको दे दो उधार। आ चुके हैं गन्ना मांग के उन लोगों से, एक ही गन्ना लाया तुम तो यार, 3-4 लाते कम से कम। हम नहीं खाते गन्ना यार, खाओ तुम ही। से बाहर जाने का रास्ता भाई देखो कितना खतरनाक है, लकड़ी अकड़ी से होके गुजरो भाई साहब। ओ भाई शिवान आ जाएंगे, क्योंकि शिवान छोटे मोटे हैं, पतले दुबले लोग हैं ये। साथ राजन भी आते हैं यहाँ पर, राजन और बबू आदा गए हैं सीतापुर किसी काम से, और राजन और सीतापुर से वापस आ जाएंगे। तो उसी के लगभग आधे घंटे बाद हम लोग निकलेंगे शाहजहानपुर के लिए। इतने जाने के बाद देखो भाई पूरी पैर में मिट्टी मिट्टी हो गई और ये खा रहा है गन्ना। एंड हम लोग जा रहे हैं मामा के खेत से अपने खेत पे, और हमारे खेत में इस टाइम है गन्ना। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं हमारे खेत में कितना गन्ना लगा और कितना बड़ा हमारा खेत है। ये है हमारा खेत पूरा, और ये रही सामने रेलवे लाइन। पहले जब हम लोग छोटे थे तो ट्रेन से जाते थे नानी घर पे, तो यहाँ से अपना खेत देखा करते थे इस ट्रेन से ही कि ये है हमारा खेत। यहाँ पे एक पेड़ था, ये वाला पेड़ था शायद, इसी की जिस पर जानते थे हम लोग कि आ गया खेत, आ गया खेत, आ गया। एंड ये रहा पूरा हमारा खेत, काफ़ी बड़ा है वो गन्ना है पूरे खेत में। मजाक सर के एक सच बताएं, 10-15 दिन पहले यहाँ पे चीता देखा गया था हमारे खेत के आसपास, और लगभग है तो यहाँ से लगभग 2-3 महीने से ही, पर अटैक अटैक नहीं किया किसी आदमी पे, तो अटैक नहीं किया है, जानवर खा रहा है खाली अभी तक शेर। और लगभग 10-15 दिन पहले यहाँ से स्पॉट किया गया था। सो गाइस, किसी को गन्ने का जूस पीना हो, गन्ना चाहिए हो, आओ खेत पर लेके जाओ, 2-4 गन्ने तो दे ही सकते हैं भाई, हम इतने तो अमीर हैं कि हाँ भाई 10-15 गन्ने ले जाओ, जूस बनाओ पियो, और चारों तरफ गन्ना ही गन्ना है भाई। और ये आ गई रोड सामने, और वो पेड़ दिख रहा ना वो, तो इतनी दूर तक है हमारा खेत, वो रही रेलवे लाइन सामने, वो रेलवे लाइन, और ये इधर रही रोड, इतना लंबा है खेत। ये मामा और शिवान गए नींबू तोड़ने के लिए, अब बोलो आ जाएंगे फिर लोग चलेंगे घर की तरफ। ये खड़ी हमारी गाड़ी, ये खड़ी शिवान की साइकिल, सामने सरसों का पेड़, और यहाँ से लेके इस पेड़ से लेके मतलब उस पेड़ से लेके और उस खंभे तक इतनी लेंथ लंबाई की है।
ही शांतिमय जिंदगी होती है गाँव की भाई, कि एकदम चिल। 12 बज गया कोई मतलब ही नहीं, आराम से खेत में जाओ, ये करो वो करो, मज़ेदार जिंदगी भाई। शहरों में इंसान तो भाग रहा है, एक्चुअल में जीत तो इंसान गांव में रहा है। शांति भरे एरिया, एकदम सुकून भरी जिंदगी जिसे कहते हैं, वो गांव की है हमारे। ना शोर ना हॉर्न पी पों पों कुछ नहीं। तो अब कुछ टाइम हम लोग चलते हैं घर की तरफ, और मामा हमारे नींबू तोड़ने गए, नींबू तोड़ के आते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं घर की तरफ। और शिवान गए शायद गन्ना तोड़ने के लिए। वो देखो दोनों लोग आ रहे हैं हल्के हल्के। इतनी सारी हम लोग मूली तोड़ के लाए हैं खेत से, और राजन आ जाए फिर कुछ टाइम निकलते हैं हजामपुर के लिए। ये तो हमेशा कान में लीद भाई, हमेशा इनसे बैठे तो हमारा चीकू है। चीकू भाई से बहुत भाई डेंजर कुत्ता ही है। और हम उड़ जाते हैं, बाइक से हवा देखो कितनी तेज चल रही है भाई, और दीपल हमारी पड़ रही है धड़ाधड़। हम तो लोग आए हुए हैं मीठा पान खाने के लिए, बबुआ आधा मीठा पान बनवा रहे हैं हमारा, और ये जा रही है सजान बुडिपो की बस। तो बन गया हमारा पान, हमारे पान ने भाई साहब दिखाओ क्या क्या पड़ा हुआ है। मीठा पान है, एक बार मुंह में भी नहीं आएगा मतलब। हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ पान वन खा के एकदम, उस टाइम है पुल पे। ये खान और यहाँ पे अच्छे खासे ट्रैक निकलते हैं गन्ने ले लेके इतने सारे। फेल देगा क्या भाई, धूल रहता हुए चला गया भाई। इस टाइम हम लोग इस रामपुर के लिए निकलने वाले हैं, और बज गया शाम का 4 लगभग। भाई ये बंदा हमको जाने नहीं दे रहा, हटाओ। अरे इसे हटाओ भैया, अरे चोट लग जाएगी, पकड़ो इसको, और पकड़ो यार, यार ये जान दो भैया, बंदा सुबह सुबह ठंड हो जाएगी यार, वरना सुबह ना है सुबह ठंड हो जाएगी वरना। हो चुके हैं तैयार और निकलना है रामपुर के लिए। आ चुके हैं हम लोग मैगलगंज में, जहाँ के रसगुल्ले मशहूर हैं, और हमने भी रसगुल्ले मंगवा लिए हैं दो, राजन वहाँ खा रहे हैं और ये है शॉप, और यहाँ के रसगुल्ले काफ़ी मशहूर हैं तो खाते हैं। सो हम लोग आ चुके हैं सजानपुर में, और सबसे पहले हम लोग आए हैं मारुति सुजुकी के शोरूम पे, क्योंकि हमको यहाँ से थोड़ा काम है, और काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई, नई नई एकदम। शोरूम से निकल कर अब आ चुके हैं हम लोग तनिष्क के यहाँ। तनिष्क के अभी काम निपटाते हैं, फिर चलते हैं घर की तरफ, और राजन वहाँ मम्मी से बात कर रहे हैं कि मम्मी पापा जल्दी आएँ, फिर हम लोग चलें अंदर और काम निपटाएं, फिर चलते हैं घर की तरफ, और ये खड़ी हमारी गाड़ी। सो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं, और आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।